G7 परिषदेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हिरोशिमा इथं पोहोचले असून भारतीय समुदायानं त्यांचं मोठ्या उत्साहात स्वागत केलं. मोदी जी को सब लोग यहाँ जो इंडियन है काफी लोग पसंद करते हैं और हमारा सौभाग्य है जो हिरोशिमा में G7 में यहाँ मिले हैं, जो उन्हें हम देखने की उनके दर्शन करने के अभिलाषी यानी कि काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं कि उनके दर्शन हो जाए. बोलना चाहूंगा कि मोदी जी का एक पर्सनल ऑरा है यहाँ जापान में और एक बहुत खुशी की बात है कि इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, इसके बावजूद हमें इन्वाइट किया गया है. काफी कंट्रीज को ऐसा चांस नहीं मिलता है कि उनकी पर्सोना इंडिया का जो ग्रोइंग स्ट्रक्चर है उसका स्टेटस है इन द वर्ल्ड ये उसको रिफ्लेक्शन करता है और वेरी वेरी हैप्पी और इट्स ए प्राउड मोमेंट. दरम्यान भारताला पाकिस्तानसोबत सलोख्याचे संबंध हवे आहेत, मात्र त्यासाठी पाकिस्ताननं दहशतवादमुक्त वातावरण निर्माण करणं आणि आवश्यक पावलं उचलणं आवश्यक आहे असं प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे. ते जपानच्या निक्केई एशिया या माध्यमाला दिलेल्या मुलाखतीत बोलत होते. सीमापार दहशतवादाला पाकिस्तानकडून मिळणाऱ्या पाठबळाबाबत भारतानं वारंवार चिंता उपस्थित केली असल्याचं पंतप्रधान म्हणाले. भारत आणि चीनमधले संबंध पूर्वपदावर येण्याचा फायदा विस्तृत क्षेत्राला आणि संपूर्ण जगाला होऊ शकतो असं त्यांनी नमूद केलं. चीनसोबतच्या सुरळीत संबंधांसाठी सीमाक्षेत्रात शांतता आणि सलोखा आवश्यक असल्याचं पंतप्रधान म्हणाले.